सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सुभाष। की मस्ट वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको बताना है हाउ टू ग्रो बेटा फिश ब्रोकन फिन्स। बेटा फिश के जो फिन्स टूट जाते हैं, जैसे कि ये मेरे बेटा फिश के जो है टूट चुके हैं, ये एक मेल बेटा है और इसके फिन्स वगैरह जो है बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, टूट चुके हैं। तो हम इसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं, इसको दोबारा किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं, यही आज की मस्ट वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को हम शुरू। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि हाउ टू रिकवर बेटा फिश ब्रोकन फिन्स, हाउ टू ग्रो बेटा फिश ब्रोकन फिन्स। तो हम बेटा फिश के ब्रोकन फिन्स को किस तरह दोबारा ग्रो करवा सकते हैं, किस तरह दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। सो व्यूअर्स, ये जो है एक वैंटेल बेटा, जिसकी जो है फिन्स जो है बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन देख सकते हैं इसकी जो है टेल बहुत ही पूरी गायब हो चुकी है। डॉर्सल फिन तकरीबन इसकी पूरी बॉडी का ही फिन जो है टूट चुका है। सो ये हुआ इस तरह है कि मैंने इसको लगाया था ब्रीडिंग में, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से फिशेस आपस में फाइटिंग करने लगे और उसकी जो है फिन्स पूरे टूट गए। सो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम किस तरह अपने फिशेस के फिन्स को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। सो अगर सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आपके फिशेस को फिन रॉट है या फिर उसका सिर्फ मामूली फिन टूटा है, फिन ब्रोक है। अगर फिन रॉट है तो आप उसको अलग ट्रीटमेंट दें, और अगर फिन रॉट है सॉरी फिन ब्रोक हुआ है, टूटा है, तो आप उसको अलग ट्रीटमेंट दें। तो पहले तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि फिन रॉट क्या होता है, फिन रॉट में क्या सिम्टम्स होते हैं और फिन ब्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो व्यूअर्स, फिन रॉट का सिम्टम्स ये होते हैं कि जिस तरह की आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके बेटा फिश का टेल टूटा है और वहाँ पे वाइट फंगस टाइप के कुछ एलिमेंट मगर पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं वाइट फंगस टाइप की, और वो आगे बढ़ते जाती हैं, फिन्स आपके बेटा फिश के फिन्स जो है टूटते जाते हैं, तो वो आपका फिन रॉट होता है। लेकिन अगर आपके बेटा फिश के फिन्स टूट जाते हैं और धीरे धीरे स्लोली रिकवर होने लगते हैं, तो फिन ब्रोक होता है। नॉर्मली आपके बेटा फिश का जो है फिन टूटा है। तो आपने समझ लिया कि फिन रॉट क्या होता है और फिन ब्रोक क्या होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो को ऊपर और बताते हैं कि हम किस तरह इसको रिकवर कर सकते हैं। तो नंबर वन में है एंटी लीच। तो आपको सबसे पहले स्टेप में एंटी लीच वाले पानी में अपने बेटा फिश को एक दिन रखना होगा। एक दिन आपको अपने बेटा फिश को एंटी लीच वाले पानी में रखना होगा, जिस तरह की जिसे हम कहते हैं ब्लू लिक्विड, वो डालना, ब्लू लिक्विड जिसे हम कहते हैं, तो वो डालना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर आप वो स्टेप स्किप करते हैं तो आपकी चांसेस हैं कि आपके बेटा फिश को फिन ब्रोक के बाद डायरेक्ट फिन रॉट हो जाए। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपकी फिशेस को फिन रॉट हो जाए, तो आप ये स्टेप जरूर से फॉलो करने की एक एंटी लीच जिसे हम ब्लू लिक्विड कहते हैं, वो ला के अपने एक्वेरियम में डाल दें, एक्वेरियम क्यूब या फिर जो भी आपका बाउल है उसमें एक दिन के लिए एक ड्रॉप पर 1 लीटर के हिसाब से डाल के रख दें। सो यस, नंबर टू सेकेंड स्टेप में है कि अपने टैंक का जो है पूरा पानी बाहर निकाल के फेंक दें दूसरे दिन, और तीसरे उसी दिन दूसरा पानी न्यू वाटर ऐड करें और एक एलमंड लीफ डालें। एलमंड लीफ जिसे हम कहते हैं बादाम का पत्ता, एलमंड लीफ जिसे हम कहते हैं बादाम के ट्रीज में जो होते हैं लीव्स, उसे हम एलमंड लीफ कहते हैं। तो जिसे कि आप देख सकते हैं यही ऑरेंज कलर का कुछ सब्सटेंस ऊपर होगा, मैंने यही एलमंड लीफ डाला है इसके ऊपर। सो ये आप डालेंगे, उसके बाद आप 24 आवर्स के बाद देखेंगे, मतलब एक दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका पानी येलोइश हो गया होगा और वो लीफ जो है नीचे डूब गया होगा। सो जब आपका पानी येलोइश हो गया होगा, अब आपको ना इसमें पानी चेंज करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, अब बस आपको अपना वाटर इसी तरह रहने देना है। और अब जो है मेन स्टेप आता है ये फीडिंग, नंबर 3 में है फीडिंग। आपने एंटी लीच डाल दिया, आपने एलमंड लीफ भी डाल दिया, और आप अपने एलमंड लीफ के पानी में अपने बेटा फिश को रख रहे हैं, लेकिन नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीडिंग। अगर आप फीडिंग प्रॉपर और हाई क्वालिटी फीडिंग नहीं करते हैं, हाई प्रोटीन फीडिंग नहीं करते हैं, तो आपकी बेटा फिश की फिन्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। जैसे कि देखते हैं ये बेटा फिश बहुत ही एक्टिव है, लेकिन बस इसके जो है फिन्स टूट गए हैं। सो फीडिंग में आप दे सकते हैं इन्हें मस्कीटो लार्वा या फिर डापनिया या फिर ब्लड वर्म्स या फिर ड्राई ब्लड वर्म्स वगैरह, आप जैसे हाई प्रोटीन फूड दे सकते हैं, और आप इन्हें पैलेट्स भी दे सकते हैं जिस तरह की ऑप्टिमम का, ओसाकी का, या फिर बेटा ऑप्टिमम भी आता है वो भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से इनकम टेल की ग्रोथ या इनकी फिन्स की ग्रोथ जो है तेज़ हो, जल्दी इनकी फिन की ग्रोथ हो जाए। आप ये फीडिंग जो है अपने दिन में एक बार कम से कम इन्हें हाई प्रोटीन फीड, जिस तरह की लाइव फीड में बोल रहा हूँ सॉरी, आप इन्हें लाइव फीड दें ताकि इनकी जो है ग्रोथ फिन्स की बहुत तेज़ हो जाए। तो व्यूअर्स, यही थी आज के हमारे वीडियो में कि किस तरह हम अपने बेटा फिश को फिन्स को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।